उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले पारंपरिक कार्तिक मास गंगा मेले पर रोक लगाए जाने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं एवं रोहन सक्सेना प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल मेरठ प्रांत के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं पक्षपात और तुष्टिकरण की राजनीति चली आ रही है, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पूर्ण रूप से लिप्त हैं, जहां शहर में गांव कस्बों में बाजारों में भारी संख्या में भी भीड़ दिखाई दे रही है। ट्रेनों बसों के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है और देश के अंदर बिहार के चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात सभी राज्यों में उपचुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें लाखों हजारों संख्या में लोगों की भर्ती हो रही है। वहीं हिंदू समाज में महाभारत काल से गढ़ मुक्तेश्वर एवं तिगरी धाम में कार्तिक गंगा स्नान मेले का आयोजन होता आया है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज की श्रद्धा और व आस्था जुड़ी होती है। इस वर्ष हापुड़ के जिला अधिकारी द्वारा इस मेले के आयोजन में विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है, जो कि सरकार की छवि को खराब कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पूर्व त्योहारों पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, परंतु जब प्राचीन ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेला आयोजित होने का समय आया तो कोरोना वायरस का भय दिखाकर समाज को उसके कार्यक्रमों को आयोजित करने से रोका जा रहा है। रोहन सक्सेना, आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा, जो प्रदेश सरकार के द्वारा कार्तिक गंगा स्नान मेले पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके विरोध में संपूर्ण प्रांत में ज्ञापन चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मुरादाबाद में ज्ञापन हुआ है। प्रदेश सरकार कहती है कि गंगा मेले से कोरोना होगा, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होगा। अरे मेरा ये कहना है सरकार, मेरा ये कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार, सुनिए, क्या प्रदूषण सिर्फ दीपावली के पटाखों से होगा? बिहार में आप जीते, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में आप जीते, आपके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं तो प्रदूषण नहीं होता? दीपावली के उपलक्ष में सबको पता है नवंबर के माह में दीपावली आती है, तो विशेष तौर से प्रशासन दीपावली के उपलक्ष में और पूरे देश के अंदर यातायात माह बनाता है। अरे अगर यातायात माह बनाना है तो कभी रमजान के समय में मना के देखो, तब नहीं याद आएगा। तीन सवारी, हेलमेट, मास्क, जो भी देखना है दीपावली। और तो मेरा सरकार से कहना है कि गंगा मेले पर प्रतिबंध हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी की मत बर्दाश्त नहीं करेगा। और पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है, हरियाणा सरकार ने 2 घंटे की अनुमति दी है, आप भी दे सकते हो अगर आपकी मंशा हो। और